हेलो, मेरा नाम सरोज पाठक है। मैंने बीटेक एज वेल एज एमटेक दोनों आईआईटी रुड़की से करा है 2009 में। एंड 2009 से ही मैंने पढ़ाना शुरू करा। इनिशियली मैं कोटा में पढ़ाया 2014 तक, एंड 2015 में मैं रांची आया और एल्बेडो स्टार्ट करा, राइट। एंड 12 साल के अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने ये चीज़ बहुत ही पास से महसूस करा कि एक एवरेज स्टूडेंट भी आईआईटी या नीट या जो भी बेसिक लेवल के कॉम्पिटिशन्स हैं वो इजीली क्वालिफाई कर सकता है। बस हमें ये चाहिए कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। नाउ जो कंसिस्टेंसी का मतलब है वो केवल ये नहीं कि स्टूडेंट ही कंसिस्टेंटली पढ़ता रहे, उसमें इंस्टीट्यूट का, फैकल्टी का, उसके कंसर्न टीचर का भी कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, राइट। एंड दैट इज़ द रीज़न कि जो लोग इस तरीके से करते हैं, जहाँ भी इंस्टीट्यूट में जो भी फैकल्टी लग के 2 साल 3 साल तक स्टूडेंट के साथ लग के कराते हैं, वहाँ पर रिजल्ट अच्छा आता है। और मैं अपने स्टूडेंट या पेरेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनको तैयारी करनी है आईआईटी का, मेडिकल का, और अगर वो ये सब चीज़ें ढूंढ रहे हैं फैकल्टी इंस्टीट्यूट, तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे जगहों पर हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि लोग वेल क्वालिफाइड हो, दूसरी बात वहाँ पर कंसिस्टेंसी हो ऑर्गेनाइजेशन की एज वेल एज फैकल्टी की, राइट। एंड बाय दिस वे 2 से 3 सालों में हम लोग आराम से कर लेते हैं। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होती है कि आईआईटी नहीं होगा और ये सब चीज़ें हैं। ज़्यादा हवा और ज़्यादा डर करने से भी गलत बात होता है, बट द थिंग इज कि इफ़ यू कंसंट्रेट ऑन आईआईटी जेई और कंपटीशन, तो विद इन 2 ईयर एवरेज स्टूडेंट कैन क्वालिफाई। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।